केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से पिछले हफ्ते ही कहा गया कि इस बिल का नया मसौदा तैयार करने के लिए और विचार विमर्श होगा। ये पिछले साल नवंबर में ड्राफ्ट किया गया, इसका दूसरा ड्राफ्ट जुलाई में जारी किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने फीडबैक के लिए ड्राफ्ट की कॉपी अपने स्टेक होल्डर्स के बीच बांटी, लेकिन बाद में इस ड्राफ्ट को वापस मांगा गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल के बारे में कहा है कि इस बिल में सरकार का नजरिया खुला और लचीला है। सरकार व्यापक सलाह के बाद इस मामले में कदम बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के एक महीने के अंदर जारी होने की संभावना है। इसी बीच ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल से जुड़े हुए लोग इसके नए ड्राफ्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से सवाल कर रहे हैं। दरअसल इस बात को लेकर की स्थिति साफ नहीं है कि इस बिल के किस वर्जन पर सरकार सलाह लेगी। विपक्ष ने इस ड्राफ्ट पर कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने यह भी कहा कि संसद में पेश करने से पहले सरकार ने बिल को लीक किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि बिल 10 नवंबर 2023 को स्टेक होल्डर्स आम जनता के सिफारिशों, टिप्पणियों और सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया। अब सुझाव और टिप्पणियां देने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 तक कर दी गई है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। दरअसल इस बिल को लेकर के इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के एक वर्ग की ओर से चिंता जाहिर की जा रही थी। कई मीडिया संगठनों ने इस ड्राफ्ट की आलोचना की। इन संस्थाओं की ओर से दावा किया है कि ड्राफ्ट जारी करने से पहले डिजिटल मीडिया संगठनों और नागरिक समाज से परामर्श नहीं लिया गया, जिसके बाद शायद सरकार ने इसके लिए कुछ और वक्त लिया है। अब आपको बताते हैं आखिर ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 में ऐसा क्या है जिसे लेकर के जोरदार हंगामा इस समय हो रहा है। दरअसल इस बिल का जो उद्देश्य है वो केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की जगह लेना है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल पब्लिशर्स का कहना है कि बिल के जरिए सरकार उन पर एक तरह की सेंसरशिप लगाना चाहती है। इनका कहना है कि ये बिल यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, OTT वेबसाइट्स के कॉन्टेंट को रेगुलेट करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके साथ ही इस बिल में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की बात भी कही गई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए यूजर बेस तय किया जाएगा, उससे ज़्यादा यूजर होने पर पब्लिशर को सरकार के पास जो है और रजिस्ट्रेशन जो है कराना फिर अनिवार्य हो जाएगा। इसे लेकर के भी खूब हंगामा हो रहा है। बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि इस तरह से सरकार अपने खास लोगों को ही लाइसेंस देगी। ड्राफ्ट के मुताबिक कानून बनने के एक महीने के भीतर सभी कंटेंट क्रिएटर को अपने कामकाज को लेकर के सरकार को जानकारी देनी होगी, जिसके चलते ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 को लेकर के खूब बयानबाजी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इस बिल के जरिए मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो वहीं इस बिल को लेकर के सरकार का तर्क है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल देश में ऑनलाइन कॉन्टेंट क्रिएटर्स को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाया जा सकेगा। और इसके साथ ही सरकार की ओर से कहा गया कि कानून बनने के बाद फेक न्यूज और हेट स्पीच पर नकेल कसी जा सकेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब बिल सरकार की तरफ से सामने लाया ही नहीं गया, तब तक अटकलें लगने से क्या फायदा। सच तो तभी सामने आएगा जब बिल सामने आ जाएगा।